हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और ये विविधताएं खानपान, रहन-सहन, पहनाव वहाँ तक सीमित नहीं है। जीवन के हर व्यवहार में हमें विविधताएं नजर आती हैं। यहाँ तक कि हमारे त्योहार भी विविधताओं से भरे हुए हैं और हजारों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के कारण सांस्कृतिक परंपराएं देखें, सामाजिक परंपराएं देखें, ऐतिहासिक घटनाएं देखें तो शायद ही 365 दिन में कोई दिन बचता होगा जबकि हमारे यहाँ कोई त्योहार से न जुड़ा हुआ हो। और ये भी आपने देखा होगा कि हमारे सारे त्योहार प्रकृति के समय पत्रक के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के साथ सीधा सीधा संबंध आता है। हमारे बहुत सारे त्योहार तो सीधे सीधा किसान से जुड़े हुए होते हैं, मछुआरों से जुड़े हुए होते हैं। आज मैं त्योहारों की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आप सबको मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहूंगा। जैन समाज में कल संवत्सरी का पर्व मनाया गया। जैन समाज में भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन संवत्सरी का दिन होता है। ये सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। संवत्सरी का पर्व क्षमा, अहिंसा और मैत्री का प्रतीक है। इसे एक प्रकार से क्षमा वाणी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कड़म कहने की परंपरा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में क्षमा वीरस्य भूषणम यानी क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा करने वाला वीर होता है, ये चर्चा तो हम सुनते ही आए हैं। और महात्मा गांधी तो हमेशा कहते थे क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। शेक्सपियर ने अपने नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्षमा भाव के महत्व को बताते हुए लिखा था, मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। अर्थात क्षमा करने वाला और जिसे क्षमा किया गया दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों हिंदुस्तान के हर कोने में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है और जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो सार्वजनिक गणेशोत्सव की बात स्वाभाविक है। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने 125 साल पूर्व इस परंपरा को जन्म दिया और पिछले 125 साल आजादी के पहले वो आजादी आंदोलन का प्रतीक बन गए थे और आजादी के बाद वे समाज शिक्षा, सामाजिक चेतना जगाने के प्रतीक बन गए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है। इस महापर्व को एकता, समता और सुचेता का प्रतीक कहा जाता है। सभी देशवासियों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी केरल में ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत के रंग बिरंगे त्योहारों में से एक ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व अपने सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ओणम का पर्व केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। यह पर्व समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देने के साथ साथ लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास जागृत करता है। और अब तो हमारे त्योहार भी टूरिज्म के आकर्षण का भी कारण बनते जा रहे हैं। और मैं तो देशवासियों से कहूंगा कि जैसे गुजरात में नवरात्रि का उत्सव या बंगाल में दुर्गा उत्सव एक प्रकार से टूरिज्म का आकर्षण बन चुके हैं, हमारे और त्योहार भी विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक अवसर है। उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं सोचना चाहिए। इन त्योहारों की श्रृंखला में कुछ ही दिन बाद देश भर में ईद उल जुहा का पर्व भी मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं। त्योहार हमारे लिए आस्था और विश्वास के प्रतीक तो है ही। हमें नए भारत में त्योहारों को स्वच्छता का भी प्रतीक बनाना है। पारिवारिक जीवन में तो त्योहार और स्वच्छता जुड़े हुए हैं। त्योहार की तैयारी का मतलब है साफ सफाई। ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये सामाजिक स्वभाव बनाना भी जरूरी है। सार्वजनिक रूप से स्वच्छता का आग्रह सिर्फ घर में नहीं, हमारे पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में
स्वच्छता ये त्योहारों के साथ एक अटूट हिस्सा बनना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक होने की परिभाषाएं बदलती चली जा रही हैं। इन दिनों एक नया डायमेंशन, एक नया पैरामीटर, आप कितने संस्कारी हो, कितने आधुनिक हो, आपकी थॉट प्रोसेस कितनी मॉडर्न है, इसे जानने में एक तराजू भी काम में आने लगा है, और वो है एनवायरनमेंट के प्रति आप कितने सजग हैं। आपके अपनी गतिविधियों में इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्यवहार है कि उसके खिलाफ है? समाज में अगर उसके खिलाफ है तो आज बुरा माना जाता है, और उसी का परिणाम मैं देख रहा हूं कि इन दिनों ये गणेशोत्सव में भी इको फ्रेंडली गणपति मानो एक बड़ा अभियान खड़ा हो गया है। अगर आप YouTube पर जाकर के देखेंगे, हर घर में बच्चे गणेश जी बना रहे हैं, मिट्टी लाकर के गणेश जी बना रहे हैं, उस पर रंग पोताई कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल के कलर लगा रहा है, कोई कागज के टुकड़े चिपका रहा है, भांति भांति के प्रयोग हर परिवार में हो रहे हैं। एक प्रकार से एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा व्यापक प्रशिक्षण इस गणेशोत्सव में देखने को मिला है, शायद ही पहले कभी मिला हो। मीडिया हाउस भी बहुत बड़ी मात्रा में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है, और ये सुखद बदलाव है। और जैसा मैंने कहा, हमारा देश करोड़ों करोड़ों तेजस्वी दिमागों से भी भरा हुआ है, और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नए नए इनोवेशन जानते हैं। मुझे किसी ने बताया कि कोई एक सज्जन है जो स्वयं इंजीनियर है, उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से मिट्टी इकट्ठी करके उसका कॉम्बिनेशन करके गणेश जी बनाने की ट्रेनिंग लोगों की, और वो एक छोटी सी बाल्टी में पानी में गणेश विसर्जन होता है तो उसी में रखते हैं, तो वो पानी में तुरंत डाइल्यूट हो जाती है। और उन्होंने यहां पर रुके नहीं, उसमें एक तुलसी का पौधा बो दिया और पौधे बो दिए। 3 वर्ष पूर्व जब स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था, 2 अक्टूबर को उसको 3 साल हो जाएंगे, और उसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। शौचालयों की कवरेज 39% से करीब करीब 67% पहुंची है। 2,30,000 से भी ज्यादा गांव खुले में शौच से अपने आप को मुक्त घोषित कर चुके हैं। पिछले दिनों गुजरात में भयंकर बाढ़ आई, काफी लोग अपना जान गंवा बैठे, लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गंदगी फैल गई थी। ऐसे समय में गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा में जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित 22 मंदिर एवं 3 मस्जिदों की चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई की, खुद ने पसीना बनाया, सब लोग निकल पड़े। स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उदाहरण, हर किसी को प्रेरणा देने वाला ऐसा उदाहरण जमीयत उलेमाए हिंद के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। स्वच्छता के लिए समर्पण भाव से किया गया प्रयास, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से एक आह्वान करता हूं कि एक बार फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 15-20 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा, जैसे पहले कहते थे जन सेवा यही प्रभु सेवा, स्वच्छता ही सेवा की एक मुहिम चलाएं, पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहौल बनाएं। जैसा अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, हम अवसर ढूंढें, लेकिन हम सभी जुड़े। इसे एक प्रकार से कि दिवाली की तैयारी मान ले, इसे एक प्रकार से नवरात्रि की तैयारी मान ले, दुर्गा पूजा की तैयारी मान ले, श्रमदान करें, छुट्टी के दिन या रविवार को इकट्ठा होकर एक साथ काम करें, आस पड़ोस की बस्ती में जाए, नजदीक के गांव में जाए, लेकिन एक आंदोलन के रूप में करें। मैं सभी एनजीओस को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नेतृत्व को, सरकार के अफसरों को, कलेक्टरों को, सरपंचों को, हर किसी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की
जन्म जयंती के पहले ही 15 दिन हम एक ऐसी स्वच्छता का वातावरण बनाएं, ऐसा स्वच्छता खड़ी कर दें कि 2 अक्टूबर सचमुच में गांधी के सपनों वाली 2 अक्टूबर हो जाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने mygov.in पर एक सेक्शन बनाया है जहां शौचालय निर्माण के बाद आप अपना नाम और उस परिवार का नाम प्रविष्ट कर सकते हैं जिसकी आपने मदद की है। मेरे सोशल मीडिया के मित्र कुछ रचनात्मक अभियान चला सकते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड को धरातल पर काम हो उसकी प्रेरणा बना सकते हैं। स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि प्रतियोगिता पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये अभियान, जिसमें आप निबंध की स्पर्धा है, लघु फिल्म बनाने की स्पर्धा है, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप विभिन्न भाषाओं में निबंध लिख सकते हैं और उसमें कोई उम्र की मर्यादा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं, 2-3 मिनट की फिल्म बना सकते हैं जो स्वच्छता के लिए प्रेरणा दे। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, वो साइलेंट भी हो सकती है। ये जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उसमें से जो बेस्ट 3 लोग चुने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 होंगे, स्टेट लेवल पे 3 होंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं हर किसी को निमंत्रण देता हूं कि आइए स्वच्छता के इस अभियान के इस रूप में भी आप जुड़े। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छ 2 अक्टूबर मनाने का संकल्प करें और इसके लिए 15 सितंबर से ही स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को घर घर पहुंचाएं, स्वच्छता के लिए कोई न कोई कदम उठाएं, स्वयं परिश्रम करके इसमें हिस्सेदार बने। आप देखिए गांधी जयंती की 2 अक्टूबर कैसी चमकेगी। आप कल्पना कर सकते हैं 15 दिन की सफाई के इस अभियान के बाद, स्वच्छता ही सेवा के बाद 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जयंती मनाएंगे तो पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का हमारे भीतर कितना एक पवित्र आनंद होगा।